होगा। आज की मीटिंग जो हुई है ये तो यहाँ लोकल एरिया की पब्लिक जो तंग है उसके लिए हम आए, पहली बात। नंबर दो बात, आंदोलन के बारे में जो आप पूछ रहे हो नीति क्या है, आज हरियाणा में कम से कम 5-6 जगह कहीं कहीं बड़ी खापे पंचायतें लगातार जारी है और भिन्न भिन्न संगठनों की भी मीटिंगें चल रही है। आज जलंधर में 18 तारीख को संख्यान मोर्चे की बड़ी मीटिंग है, उम्मीद करते हैं हम आज वो फैसला मीटिंग खत्म होने के बाद साथ साथ में ये जो आंदोलन हमारे किसान साथी हैं उनकी भी आज मीटिंग है 18, ये निचोड़ो जगह। और हरियाणा का एक एक बच्चा, एक एक खाप का, एक एक कर्मचारी, एक एक बेरोजगार नौजवान इस लड़ाई में शामिल होगा, हमें उम्मीद है। ये लड़ाई नए सिरे से 21 तारीख तक हम उम्मीद करते हैं ये बॉर्डर बैरियर सब सौदा साफ हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। हरियाणा से भी लोग साथ आएंगे, हरियाणा वाले तो करेंगे और वो तो करो नहीं ले हैं पंजाब वाले पे कि मैं हूं, ये इस बात का हमें दुख है। आंदोलन से जो साथी है इन्होंने किसी संगठन से बात नहीं की, किसी खाप से बात नहीं की, हमारा नैतिक समर्थन पहले दिन से था, आज भी है, आगे भी रहेगा। क्या नए सिरे से हरियाणा से आंदोलन शुरू होगा, मैं ऐसा विश्वास है मेरा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। 21 तारीख ना धूल उठ जाएगी सारा सौदा, ये नैया मरगा आंगन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं रहेगा 21 तारीख के बाद। 21 तारीख ने उम्मीद है हमारी, एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक जवान, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक बूढ़ा, हर खाप पंचायत यूनियन सारी 21 तारीख तक शुरू हो जाएगी, ऐसी हमारी उम्मीद है।